Assalamualaikum students. Today we will start the third episode of the chapter heat, and the part is dew point and humidity. It is related to your 8th standard chapter in Maharashtra board syllabus. There is a chapter called humidity over there. So I think most of you are familiar with this dew point and humidity. So it's just a revision for you all. And again, it's an interesting fact. As the last time I said to you, this all thing in the physics we are learning is related to our practical life. It's related to our environment that we observe. So let's begin the chapter now. And then see how much water we have. We have 71%. Of the surface of the water is covered with water. 71% of the surface of the earth is covered with water. Yes, blue color you are seeing. These all are water. So we have very large quantity of water on the surface of the earth. And you look, water on the earth is formed in three states. That is the snow. The second one is water liquid, and the third one is as a water vapor, gas. Water vapor क्या है? Gas है, भाप जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, उर्दू में. तो जब water molecule energy gain करता है तो वो क्या होता है, हवा में उड़ने लगता है, water vapor बन जाती है. तो ऐसे gas में हम लोग treatment करते हैं उसको, है ना. तो लाया जाता है. अब सोचो कितना ज्यादा, इतना ज्यादा 71% क्या है, पानी है. तो वाटर वेपर भी बहुत ज्यादा होगा, है ना. वाटर ऐसा गैस भी बहुत ज्यादा होगा एटमोस्फेयर में. तो उससे क्या इफेक्ट होता है हमारे एटमोस्फेयर में, वो देखेंगे हम लोग. बहुत ज्यादा इफेक्ट रहता है हमारे एटमोस्फेयर में. जब हम लोग देखते हैं फॉग देखते हैं या जो बारिश होती है, तो ये सब रीजन किसका है, ये वाटर का रीजन है, वाटर वेपर का रीजन है. इवेपोरेशन हो रहा है. Evaporation is the conversion of liquid water into gaseous water या gas state में, या water vapor बोल सकते हैं. उसको क्या बोलेंगे, evaporation बोलेंगे. अब ये जो gas water है, water vapor जिसको बोलते हैं, ये जब cool होगा और वापस से liquid state में convert होगा तो उसको क्या बोलते हैं, condensation बोलते हैं. क्लियर. तो हमारे atmosphere में क्या होता है, evaporation हो रहा है, है ना. सी से ये सबसे evaporation हो रहा है. फिर ये ऊपर जाता है तो टेम्परेचर लो हो जाता है. टेम्परेचर लो होता है तो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है. कंडेंस होगा तो वापस से रेन ड्रॉप में या ये सब में हमें दिखता है ना. रेन ड्रॉप है, ड्यू है, फॉग है, हेल स्टॉन है, तो ये सब के फॉर्म में हमें प्रेसिपिटेशन दिखता है. आप ये सब डिटेल में 9th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं. तो एक थोड़ा शॉर्ट में हम लोग रिवाइज करेंगे ये चैप्टर भी, क्या है ये, क्योंकि ये रिलेटेड टू टेम्परेचर है, तो इसलिए चैप्टर इसमें डाला गया ना. चैप्टर का रीजन क्या है, रिलेटेड टू हीट एंड टेम्परेचर है, इसी के लिए ये चैप्टर, ये आपकी चैप्टर हीट चैप्टर में डाला गया. तो सन लाइट क्या हो रहा है, स्ट्राइक कर रहा है वाटर सरफेस को. वाटर मॉलिक्यूल गेन करते हीट और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं. वाटर वेपर ये वाटर है लेकिन ऐसा गैस है, यहाँ पे वाटर है लेकिन ऐसा लिक्विड है ना. अब ये क्या वाला एटमोस्फेयर में हो गया, तो ये कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं. अब ये क्या होता है, ऊपर जाके कंडेंस हुआ, कंडेंस होकर वाटर लिक्विड बन गया, और फिर बाद में नीचे पानी के सर्कल में हमें दिखता है. नहीं तो ऐसे ही वाटर वेपर हमेशा एटमोस्फेयर में रहता है. सी क्या वाला, इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है ना. ऊपर जाके कंडेंसेशन होगा, ऊपर का टेम्परेचर क्या होता है, लेस आता है. एज देखो आप टेम्परेचर डिक्रीजेस, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर मेक इट मॉइस्ट. द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, है ना. क्या बोलते हैं ना, एयर फ्रॉम मॉइस्चर, एयर में कैसे मॉइस्चर है, क्योंकि ये जो वाटर वेपर है वो एयर में प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से एयर को मॉइस्चर बनाते हैं. अब ये जो मॉइस्चर कंटेंट है एटमोस्फेयर का, उसको क्या बोलते हैं, एक और टर्म्स है, क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं. जनरली ह्यूमिडिटी हम लोग यूज नहीं करते अपने वर्ड में, हम लोग मॉइस्चर यूज करते हैं. तो ह्यूमिडिटी अगर बोले, अगर कभी ह्यूमिडिटी बोला या तो मॉइस्चर बोला, तो इससे रिलेटेड टर्म,
क्या बता रहे कि एयर में कितना पानी है, एयर में कितना वाटर वेपर है, इसका मीनिंग ये होता है जनरल टर्म में। तो ह्यूमिडिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करते हैं कितना ग्राम ऑफ वाटर है कितने वॉल्यूम में, कितना ग्राम ऑफ वाटर, ग्राम अपॉन ह्यूमिडिटी अपॉन लेंथ मीटर क्यूब, इतना बड़ा एरिया है उसमें कितना वाटर है वो बता रहे हैं हमें, क्या बता रहे हैं ह्यूमिडिटी बताएगा। For a given volume of air at a specific temperature, there is a limit on how much vapor in air can contain. अभी देखो, air में water vapor आ रहा है, तो हर चीज आप देख मालूम होगा कि air में oxygen का percentage fix है, carbon dioxide का, nitrogen कैसे है, तो water vapor contain करने का, air में water vapor observe करने का capacity है ना? वो capacity किसके ऊपर depend है, temperature के ऊपर depend है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। अगर टेम्परेचर राइज होता है तो क्या होता है, एयर का कैपेसिटी ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर राइज होता है तो एयर का कैपेसिटी ज्यादा हो जाता है। मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, आप याद रखो थोड़ा, ड्रिंक द वाटर, ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वाटर ऑब्जर्व करने का, वाटर वेपर के वाटर डब्ल्यू बी, तो वाटर वेपर ऑब्जर्व करने का कैपेसिटी क्या हो गया, ऑब्जर्व ऑब्जर्विंग कैपेसिटी ऑफ एयर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ऑब्जर्विंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो गया। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये भी क्या होगा, ये भी डिक्रीज हो जाएगा, दोनों क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बता ये रहा था मैं कि एयर में कैपेसिटी है कि इतना परसेंटेज ही वो क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं वाटर वेपर को, है ना। और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। तो जब वो कैपेसिटी में पहुंच जाता है और एयर ऑब्जर्व कर लेता है अपने पूरा तरीके से वाटर वेपर, जितना उसको ऑब्जर्व करने का कैपेसिटी था, क्या बोला मैंने, जितना ऑब्जर्व करने का कैपेसिटी था उतना ऑब्जर्व कर लिया, तो क्या बोलेंगे हम लोग, सैचुरेशन बोलेंगे, सैचुरेशन ऑफ द एयर विद रिगार्ड टू वाटर वेपर। अब एयर क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया, अब इससे ज्यादा आ रहा है ना वाटर वेपर तो क्या होगा, बारिश होना स्टार्ट हो जाएगा, वो क्या होगा, पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में, क्लियर। तो जब तक एयर का कैपेसिटी, अभी दो वर्ड सैचुरेशन मतलब एयर का कैपेसिटी कंप्लीट हो गया, अगर एयर का कैपेसिटी अभी नहीं है और चाहिए उसको, पानी जितना है चाहिए एयर में उससे कम है अभी एयर में, तो क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब कि एयर में ज्यादा कैपेसिटी अभी और पानी ले सकता है वो टेम्परेचर पे, सैचुरेटेड मीन्स एयर अभी पानी नहीं ले सकता, कंप्लीट हो गया उसका कैपेसिटी, कंप्लीट हो गया अब उससे ज्यादा पानी नहीं लेगा वो। तो यहां पे यार याद रखना कि टेम्परेचर से रिलेटेड है उसका ऑब्जर्विंग कैपेसिटी एयर का, एक पार्टिकल टेम्परेचर है, क्या स्पेसिफिक टेम्परेचर है, यहां पे भी ऐड कर दो, स्पेसिफिक टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर पे क्या होता है उतना ही ऑब्जर्व करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एयर का कैपेसिटी भी इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एयर का कैपेसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा, वो उतना पानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उतना पानी लोड नहीं ले सकता, अंडरस्टैंड दिस वर्ड। तो सीएम अभी यहां पे कोहरा दिख रहा है ना, इसका क्या रीजन होता है, फॉग जो बोलते हैं, कोहरा है, कुहासा है, ऐसा अलग अलग वर्ड बोलते हैं, इंग्लिश में लोग फॉग बोलते हैं, इफ आई वांट एक्सीड दिस लिमिट द एक्सेस वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट। हाँ, अब जो ज्यादा इससे मतलब कैपेसिटी से ज्यादा हो गया, कैपेसिटी से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, वो वाटर ड्रॉपलेट बन जाएगा और वो गिरेगा,
वाटर ड्रॉपलेट बनती है वो क्या होगा, गिरेगा नीचे की तरफ, जितना गैप दीजिए था उसका कंप्लीट हो गया, तो क्या होगा एक्सेस हुआ तो क्या हुआ पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा वाटर ड्रॉपलेट। When the air contain maximum possible water vapor, it is said to be saturated. मैंने क्या बताया? Maximum possible उसका capacity हो गया, maximum जहाँ तक लेने का था हो गया, उसे क्या बोलेंगे? Saturated vapor at that temperature. At that temperature यहाँ पे important है। ये तो आप याद करो, ये मत भूलना, क्योंकि वो हर temperature पे अलग-अलग होता है। हर temperature पे उसका capacity change होते रहता है। एक particular temperature पे suppose 50 ग्राम हुआ ना, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे 50 ग्राम हुआ, तो आगे जाके 25 डिग्री है तो यहाँ पे 50 ग्राम ऑफ वाटर एक मीटर क्यूब ऑफ एयर ले रहे हैं। ऑब्जर्व करेगा अगर ये और इंक्रीज हुआ तो ये क्या करेगा, और करेगा ऑब्जर्व, कितना हो सकता है मे बी 75 ऐसा कुछ इतना मीटर क्यूब। अगर ये डिक्रीज हो गया तो टेम्परेचर ये अभी ये 30 करेगा सब कुछ, गेटिंग? तो ये क्या सैचुरेशन है, मतलब कि इतना ज्यादा मैक्सिमम करेगा। मैं एक कैलकुलेटर के लिए रफ आइडिया बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं समझो कि आप 25 पे 50 ग्राम होता है, नहीं मैंने एक रफ आइडिया दिया आपको समझाने के लिए, वो पार्टनर याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, समझना इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो सपोज ये क्या हो गया कि ये 40 डिग्री पे ये सैचुरेटेड हो जाता है ना, दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट, 25 पे इतना सैचुरेशन पॉइंट है और 50 पे ये सैचुरेशन पॉइंट है, इससे ज्यादा पानी 30 ग्राम से ज्यादा पानी एक क्यूबिक मीटर ऑफ एयर नहीं ले सकता, ये वॉल्यूम है एयर का, वॉल्यूम है ना, एक क्यूबिक मीटर एयर क्या कर सकता है 30 ग्राम लेगा 15 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उसका कैपेसिटी इंक्रीज हो गया, वो और ले सकता है 25 और ऐड कर देंगे, टेम्परेचर और इंक्रीज हुआ तो उसका कैपेसिटी और इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, तो इंक्रीज हो जाएगा। ये पार्टिकुलर आपको याद नहीं करने या समझने का है कि क्या होता है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ एयर ऑब्जर्व करता है एयर ना। अभी मैं क्या बताता हूँ, सिंपल है कि अच्छा ठीक है टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, कितना था टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, 40 पे 75 ग्राम पानी है एक मीटर क्यूब एयर में, क्वेश्चन है मेरा, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया 25 हो गया, अब ये पानी जो है ये क्या होगा, इसका कैपेसिटी तो ये है फिर 25 ग्राम पे 50 होना चाहिए, तो 40 पे कितना था 75 था, टेम्परेचर क्या हुआ डिक्रीज हो गया, तो ये जो 25 ग्राम है ना 75 - 25 ग्राम, ये 25 ग्राम क्या होगा 75 - 25 ग्राम, ये 50 ग्राम आंसर क्या है 25 ग्राम है ना, ये 25 ग्राम किधर जाएगा, ये 25 ग्राम क्या होगा प्रिसिपिटेट करेगा, कंडेंस करके वाटर ड्रॉपलेट बनके वो गिरना स्टार्ट कर जाएगा जमीन पे, क्लियर आपको समझ में आया, ये वैसे यहाँ पे भी होगा, ये जब यहाँ से डिक्रीज हुआ है ना यहाँ पे क्या 20 ग्राम बचा, तो ये 20 ग्राम क्या होगा डिक्रीज करेगा और ये प्रिसिपिटेट करेगा। होप यू अंडरस्टैंड, I don't have duster like that. तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर से रिलेशन है, ये इसी के लिए चैप्टर ऐड किया गया यहाँ पे। When the air contains maximum possible water vapor, it is said to be saturated with the vapor at that temperature. वो टेम्परेचर पे वो क्या हुआ सैचुरेटेड हो गया। The amount of vapor needed to be saturated at the air depend on temperature of the air, है ना? ये क्या है? Temperature के ऊपर depend होता है। इसी के लिए देखो, अब देखो ना ठंडा में, ठंडे में क्या होता है? कोहरा जम जाता है, fog आ जाता है। Fog क्यों आता है? क्योंकि जब क्या होता है? Air का temperature क्या decrease हो गया? अब air का temperature decrease हो गया, atmosphere का ठंडा में, अब air में क्या था? Water vapor था। अब ये वाटर वेपर क्या हो रहा है कंडेंस हो जा रहा है, कंडेंस होकर के वाटर ड्रॉपलेट बन जा रहा है, टाइनी टाइनी माइन्यूट पार्टिकुलर बन जा रहा है, तो वो हमें फॉग के शक्ल में दिखता है। तो ये फॉग क्या है? ये टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर है जो कि कंडेंस हो गया। क्यों कंडेंस हुआ? क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया डाउन हो गया था। टेम्परेचर डाउन होने की वजह से क्या हो रहा है कि सैचुरेशन पॉइंट से भी एयर में कैपेसिटी नहीं है उतना, क्या हो रहा है उतना लोड कर सके वाटर को, तो क्या कर रहा है
उसको कंडेंस करवा रहे और वो वाटर ड्रॉपलेट हमें दिखते पूरे एटमोसफेयर में जो कि फॉग है। इसी का रीजन ड्यू भी है। ड्यू में भी क्या हो रहा है कि सुबह के टाइम में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है ना। अब वो कम हो जाता है टेम्परेचर, अब सैचुरेशन से भी क्या हो रहा है कैपेसिटी बढ़ जा रहा है। एयर सैचुरेशन से भी कैपेसिटी क्या बढ़ जा रहा है, एयर आपको कैपेसिटी नहीं है इतना कि वो और ज्यादा वाटर लोड करे। क्यों? क्योंकि एयर का टेम्परेचर कम हो गया। तो वो ड्रॉपलेट क्या होता है कि किसी सरफेस पे टच हो जाता है, किसी सरफेस पे टच हो गया है ना, गिर गया, उसको हम लोग ड्यू बोलते हैं। और हवा में है तो उसको क्या बोलते हैं, फॉग बोलते हैं। तो फॉग इज वन टाइप ऑफ क्लाउड। तो देखते स्लाइड में और क्या मेंशन किया हुआ है। If the temperature is low, it will need less vapor to saturate air. अगर temperature कम है तो क्या होगा, less vapor लगेगा है ना। ज्यादा temperature है तो ज्यादा vapor आएगा उसमें। जैसे इसीलिए यहाँ पे temperature क्या हो गया, decrease हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे condensation हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बीच में temperature ज्यादा है, इसलिए वो क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा एयर क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है मॉइस्चर को। और यहाँ पे temperature decrease हो जाता है हाइट पे तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंडेंसेशन क्लॉट बनता है, क्लॉट से वो वापस से रेनफॉल होना स्टार्ट होता है, ये वाटर सर्कल कंप्लीट होता है इस तरह से। फॉर एग्जांपल इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर, यहाँ पे बाय मिस्टेक में लिखा हुआ है ये 20 डिग्री है, ओके 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, 4 ग्राम ऑफ वाटर वेपर, 4 ग्राम ऑफ वाटर वेपर है। पर किलोग्राम ऑफ एयर डाय, पर किलोग्राम हम लोग नहीं लेते, हम लोग वॉल्यूम लेते हैं, मीटर क्यूब लेते हैं। या चलो यहाँ पे दिया हुआ समझाने के लिए कि मीटर क्यूब लेते हैं, ऐसे यहाँ पे शायद दिया हुआ ऐसे समझाने के लिए कि ये 20 पे कितना है, 4 ग्राम है वाटर ऑब्जर्व होगा, कितना एयर में, एक एयर कितना मतलब 1 किलो में से 4 ग्राम ऑब्जर्व करेगा। 1 किलो कौन है यहाँ पे, एयर, 1 किलो एयर 4 ग्राम पानी ऑब्जर्व करेगा। तो 20 पे सॉरी, अब यहाँ पे ये 40 मानो, यहाँ पे 20 माने था, यहाँ पे 40 मानो, 40 डिग्री पे क्या हो रहा है, कितना ऑब्जर्व करेगा, कैपेसिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, कितना 14.7, ये 40 है, पहले वाला क्या था 20 था, 40 डिग्री पे कितना होगा 14.7 ग्राम ऑब्जर्व करेगा। तो क्या होगा, कैपेसिटी क्या होगा, इंक्रीज हो गया, ज्यादा पानी ऑब्जर्व कर रहा है ना, तो कैपेसिटी इंक्रीज हो गया। तो ये क्या हो गया, सैचुरेशन पॉइंट हो गया कि 40 पे 14.7 ऑब्जर्व करेगा, अब इससे ज्यादा नहीं करेगा, इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो वाटर ड्रॉपलेट बन के गिरना स्टार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सी यहाँ पे दिया हुआ अनसैचुरेटेड एयर, मैं मतलब बता रहा हूँ, ठीक है, एक पार्टिकल टेम्परेचर में कितना मॉलिक्यूल है, सपोज समझने के लिए 336 मॉलिक्यूल है, तो ये अनसैचुरेटेड बता रहा है कि वो टेम्परेचर पे और ज्यादा मॉलिक्यूल आ सकता था। तो ये क्या कहना है, और ज्यादा आ सकता था, यहाँ पे कितना 6 ही है, तो ये अनसैचुरेटेड हो गया। अब ये क्या किए, वो जो टेम्परेचर था ना 20-25 मान लिए, अब 25 पे था लेकिन क्या हो गया, मैं क्या करता हूँ 15 कर देता हूँ या 10 कर दिया टेम्परेचर, तो 10 पे क्या हो गया, ये इतना ही मॉलिक्यूल है वो सैचुरेटेड हो गया, वो क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया, क्योंकि वो 10 डिग्री पे क्या होता है, उतना ही मॉलिक्यूल रख सकता है, कितना 6 है, 25 पे 6 से ज्यादा रख सकता है लेकिन 10 पे 6 रख सकता है, तो 25 वाला क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड, लेकिन 10 वाला क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड है। As a temperature is reached at which air becomes saturated with vapor, this temperature is called dew point. एक temperature पहुंच गया जहां तक क्या होगा, एयर क्या होगा, सैचुरेटेड हो गया ना, अब सैचुरेटेड हो गया वेपर से, तो ये temperature को क्या बोलेंगे, dew point बोलेंगे ना, dew point बोलेंगे कि भाई ये इससे ज्यादा वो capacity नहीं है, अब इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो dew बन के गिरना स्टार्ट होगा, वो precipitate करेगा और करेगा, किसी ऑब्जेक्ट पे टच होगा तो हमें ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देखेंगे, जिसको हम लोग ड्यू बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम ड्यू पॉइंट रखा गया है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे अब इतना क्या हो गया, ओवर लिमिट हो गया, सैचुरेशन से बाहर हो गया।
तो ये जो ट्यूब दिखता है ना, ये जो दिख रहा है डॉपलेट आपको, इसको ट्यूब बोलते हैं, शब्दम बोलते हैं। ये क्यों हुआ था? क्योंकि एयर क्या हो गया, सैचुरेटेड से भी ज्यादा कैपेसिटी क्या हो गया, सीज हो गया, इंक्रीज हो गया। तो क्या करता है, एक्सेस पानी को क्या करता है, गिरा देता है, लेकिन वो पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो वो पार्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलेंगे। वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड यूजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में लोग मेजर करते हैं। तो ये मेजर करने कैसे किया जाता है, मास ऑफ वेपर है ना, कितना वेपर का मास है यहाँ पे, वजन बता रहे हैं। और दूसरा क्या बता रहे हैं, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम यूज किया है, यहाँ पे मास यूज किया, दो अलग यूनिट है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो वॉल्यूम किसका, एयर का वॉल्यूम है, एयर का वॉल्यूम है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कैसे मेजर करेंगे, केजी पर मीटर क्यूब। तो केजी किसका मास है यहाँ पे, वाटर वेपर का। और ये एम क्यूब किसका लिखा रहा है, मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट है। तो वॉल्यूम किसका, एयर का। यहाँ पे वाटर वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द एयर, मास ऑफ द वाटर वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द एयर। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द एयर कितना ले रहे हैं, 1 मीटर क्यूब ले रहे हैं। 1 मीटर क्यूब जब कहलाएगा तब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाएगा। वो 1 मीटर क्यूब में कितना पानी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कैपेसिटी कितना है, तो उसको क्या बोलेंगे, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। केजी पर मीटर क्यूब, याद रखना यूनिट इसका पूछा जा सकता है। द फीलिंग ऑफ ह्यूमिड और ड्राई नेचर ऑफ द एयर नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ वेपर इन इट, है ना, वेपर पे डिपेंड नहीं है सिर्फ, और किसके ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है कि भाई कितना भी अमाउंट बाकी है, कितना अमाउंट बाकी है उसको सैचुरेशन करने के लिए ना, एयर में। अभी देखो अभी ये सैचुरेशन क्या है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। अब अभी आपसे पूछते कि भाई बारिश में क्या होता है, कपड़े सूखते नहीं ना, हमेशा जो पसीना आता है बहुत ज्यादा, या ट्रॉपिकल एरिया में, कोस्टल एरिया में, आप राजस्थान में जाओ तो आपको पसीना नहीं आएगा, क्या आएगा, सूख जाएगा पसीना, क्यों है ना। आप देखो मार्च का गर्मी, मई में गर्मी, और ये जो हमारा सितंबर इसका जो गर्मी होता है, अगस्त सितंबर में, दोनों डिफरेंट है। ये क्या है, सितंबर में यहाँ पे पसीना स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, कपड़े गीले हो जाते हैं। और मई में जो होता है गर्मी, वो यहाँ पे क्या होता है, पसीना उतना नहीं चलता है, गर्म बहुत ज्यादा लग रहा है, सर गर्म हो जाता है, लेकिन क्या हो रहा है, अब बाहर जाओ तो सर एकदम भीग जाते हैं, हॉट हो जाता है, क्योंकि उतना पसीना नहीं चल रहा है। अभी के टाइम में पसीना इतना ज्यादा चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उस टाइम में क्या था, एयर ड्राई था। क्यों ड्राई था, क्योंकि एयर का कैपेसिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्या करने के, ऑब्जर्व मॉइस्चर ऑब्जर्व करने का, कैपेसिटी इंक्रीज हो गया क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। तो एयर क्या करता है, जैसे हमारा पसीना आया, टेम्परेचर इंक्रीज होने से बॉडी क्या करते, कूल करने के लिए ये स्वेटिंग करती है, ताकि हमारा बॉडी अंदर से क्या हो, कूल रहे। ये पसीना करता है, ये वाटर बॉडी के लिए ना, अंदर से टेम्परेचर लेके उड़ जाती है, अंदर से एक मॉलिक्यूल उड़ा है ना, एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन होता है, अंदर कूल होता है, इसीलिए पसीना निकलती है, स्वेटिंग होता है। तो क्या बता रहा था कि हॉट टाइम में, ड्राई सीजन में है ना, वो क्या हुआ, फटाक से एयर ड्राई है, एयर का फटाक से पसीना आया, फटाक से लेके चला गया, फटाक से आया लेके चला गया है ना, तो हमारा बॉडी क्या होता है, सूख जाता है। अभी बारिश में क्या होता है कि एयर में ऑलरेडी तो पानी है ना, मानसून सीजन में ऑलरेडी क्या है, पानी है, तो वो पानी हमारे बॉडी से नहीं लेता है, और हमारा टेम्परेचर बता दें ये, और प्लस क्या हो रहा है, पानी भी एयर में, तो हमारा बॉडी क्या होता है, प्रेसिपिटेट कर रहा है, कर रहा है, स्वेटिंग कर रहा है, लेकिन वो पानी क्या हो रहा है, हमें दिखता है, गीला दिखता है, सूखती नहीं है जल्दी, कपड़े भी नहीं सूखते, ठंडा में भी ऐसे होता है, ठंडे में कपड़े नहीं सूखते, जो टेम्परेचर कम हो गया, एयर ऑलरेडी सैचुरेटेड है, तो एयर बोलेगा भाई मैं कपड़े से पानी खोलूं, जब मेरे पास पानी ऑलरेडी है ही, गर्मी में कपड़े सूख जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे एयर में क्या है, पानी कम है, यार में पानी कम है, तो वो फटाफट ऑब्जर्व कर लेता है कपड़े से पानी। तो ये डिपेंड होता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, एक टेम्परेचर पे इतना कैपेसिटी है एयर का ऑब्जर्व करने का, मॉइस्चर ना, तो ये याद रखना, मॉइस्चर टेम्परेचर पे फिक्स होता है, ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अनदर नेक्स्ट टर्म, क्वाइट इजी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या बोलते हैं, देखो फॉर्मूला भी,
कि जो एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर है ना, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पार्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास वाटर वेपर उसको लगेगा है, अभी प्रेजेंट है कितना मास वाटर वेपर प्रेजेंट है अपॉन कितना मास रिक्वायरमेंट का, कितना मास उसको, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखो तो याद हो जाएगा, डिफ्रेशन याद नहीं होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 सीएम, ये एक्सप्लेन कर दो फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या बता रहे हैं कि एक्चुअल मास ऑफ अ गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द वाटर वेपर, एक्चुअल मास ऑफ है ना इन अ गिवन वॉल्यूम, एक वॉल्यूम ऑफ एयर है ना उसमें कितना मास अभी है प्रेजेंट, कितना केजी वाटर वेपर है। नीचे क्या बताया है, डिनोमिनेटर क्या दिया है कि कितना मास रह सकता है, इसका सैचुरेशन पॉइंट क्या है, इसका सैचुरेशन पॉइंट क्या है, उस टेम्परेचर पे उस वॉल्यूम पे कितना केजी पानी एयर में आ सकता है, मल्टीप्लाइड बाय 100 तो हमें क्या मिलेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिलेगा। फिर से एक्सप्लेन करो कि अभी सपोज यहां पे कितना है 2 kg, 2 kg मास है एक पार्टिकुलर एयर में, कितना 1 m³ और इसका इसका जो टेम्परेचर है मान लेते सपोज 30 degrees, अब वो 30 degrees पे है ना 1 m³ में उसको कैपेसिटी था 3 kg का, तो ये जो डिवाइड कर रहे ना हम लोग है ना मल्टीप्लाई 100, ये क्या बताएगा मुझे, क्या बताएगा मुझे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताएगा, डिवाइड करके जो मुझे मिलेगा इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गया 200 मल्टीप्लाई बाय 3 करो डिवाइड करो तो अराउंड जो आंसर आएगा 66.66% ऐसा कुछ आएगा, इतना परसेंट आएगा जी। तो ये क्या हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता रहा है उस टाइम पे एयर में, होप यू अंडरस्टैंड। ये फॉर्मूला याद रख लेना, आपकी बुक में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, अच्छे ज्यादा अच्छे दिया हुआ ज्यादा अच्छे एक्सप्लेन किया हुआ फॉर्मूला, आप वो वाला फॉर्मूला लिखना और तो डिफ्रेशन याद रहेगा, फॉर्मूला याद रखेंगे तो डिफ्रेशन लिखा हुआ है, डिफ्रेशन का ही को फॉर्मूला को क्या के डिफ्रेशन में लिख दिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में भी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द ड्यू पॉइंट इज 100%, ये जो ड्यू पॉइंट पे 100 जो है क्योंकि जो एयर में ड्यू पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि एयर में क्या हो रहा है कि ऑलरेडी क्या सैचुरेटेड हो गया वो टेम्परेचर पे है ना, वो सैचुरेटेड हो गया जितना था उसको 5 kg था वो टेम्परेचर पे है ना, अब उसका कैपेसिटी भी कितना था वही 5 kg था, वो 5 kg फिल कर दिया मल्टीप्लाइड बाय 100 है ना, तो ये 5 कैंसिल हो गया क्या बचा 100 बचा, इसी के लिए ड्यू पॉइंट जब 100 हो जाता है ना ये ह्यूमिडिटी 100 होता है तो क्या है ड्यू पॉइंट है, या जब वो पत्ते पे आ रहे तो पता चल रहा क्या ड्यू पॉइंट पे पहुंच गया वो ह्यूमिडिटी 100% हो गया। इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 60 तो हमें क्या लगता है ड्राई लगता है, और अगर सॉरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 60 तो हमें क्या लगेगा ड्राई लगेगा वहां पे सूखा सूखा लगेगा, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 60 होता है तो हमें क्या होता है फीलिंग होता है ह्यूमिड एयर का फीलिंग होता है, एयर में नमी का फीलिंग होता है। एक दूसरा एग्जांपल है हमारी लाइफ में क्या होता है कि जब ये एरोप्लेन जाते हैं ना ठंडे के टाइम में, ठंडे के टाइम में तो क्या होता है पीछे से दिखता है क्लाउड जैसे पीछे पीछे जा रहे हैं एरोप्लेन की बहुत देर तक है ना दिखता है, ये ऐसा होता है क्यों, ये क्या है ये एयर जो अपना एरोप्लेन के इंजन से वाटर वेपर जो निकल रहा है ना वो है, अब जब वाटर वेपर निकल रहा है ठंडा का टाइम है ओके है ना, ये निकला वाटर वेपर तो ये वाटर वेपर बहुत ज्यादा आ गया एटमोस्फेयर में, अब जब एयर ऑलरेडी सैचुरेटेड था ठंडा के टाइम क्या होता है एयर सैचुरेटेड होता है ना, ऑलरेडी सैचुरेटेड था एयर कैपेसिटी नहीं है और पानी नहीं तो ये पानी और ऐड हो गया जबरदस्ती का, तो एयर क्या करेगा इसको कंडेंस कर देगा, क्या करेगा कंडेंस कर देगा तो क्लाउड के फॉर्म में हमें दिखते हैं वो, अगर ये सैचुरेटेड नहीं रहता एयर सपोज गर्म टाइम रहता तो क्या होता है क्योंकि एयर का कैपेसिटी है और पानी ले लेगा तो ये क्या होगा एयर ये थोड़ा देर जाएगा फॉरन निकल जाएगा, ये फॉरन क्या होगा एयर ऑब्जर्व कर लेगा उसको तो कंडेंस नहीं होगा,
थोड़ा देर में दिखेगा या तो तुरंत ऑब्जर्व हो जाएगा। ये विंटर के टाइम में बहुत लंबा देर तक रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि ऑलरेडी एयर सैचुरेटेड है, एयर बोलेगा मुझे और पानी नहीं चाहिए, और ये एयरप्लेन क्या कर रहा है, पानी में वाटर वेपर ऐड कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, एयर बोलेगा भाई पानी ऐड किया तो वो पानी क्या मुझे वाटर ड्रॉपलेट में रह जाएगा। तो हमें जो क्लाउड दिखते हैं ना पीछे, वो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, उससे क्या पता चलता है एयर जो है आजूबाजू का वो क्या है सैचुरेटेड पॉइंट पे, इसीलिए क्या हो रहा है वो ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिए बहुत आदमी बारी की इफ द सराउंडिंग एयर इज हैविंग मोर ह्यूमिडिटी इट टेक अ लॉन्ग टाइम है ना फॉर बाय टेन फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ द वेपर टू डिसअपीयर है ना। बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है आजू बाजू में तो क्या होगा, तो टाइम लगेगा बहुत दिन। आइदर द साइज ऑफ द टेल मे बी स्मॉल और इट मे बी एज फॉर्म, अगर ये ह्यूमिडिटी क्या है लेस है तो क्या होगा फॉरन वो खत्म हो जाएगा या थोड़ा देर में रह जाएगा या खत्म हो जाएगा। When do we sense the presence of water vapor in the atmosphere? कब हम सेंस करते हैं? देखो यहाँ पे काम करें, आप ठंडा पानी लो है ना, ठंडा पानी लेके रख दिए, अभी तुरंत रखे ना तो क्या होता है कि ठंडा पानी ग्लास के बाहर सरफेस पे क्या होता है पानी के ड्रॉपलेट आ जाते हैं। ड्रॉपलेट कहाँ से आया, लीकेज था ग्लास में नहीं, ये वाटर इसके बाहर कहाँ से आया, पानी लीकेज था नहीं, ये क्या हो गया कि एयर में क्या है वाटर वेपर है ना, वो कौन से फॉर्म में गैस के फॉर्म में, जब एयर का वाटर वेपर से टच कर रहा है ये जब ऑलरेडी ठंडा है कूल है टेम्परेचर लेस है, तो क्या हो रहा है वो एयर का वाटर वेपर क्या हो रहा है कंडेंस हो जा रहा है और लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। क्या हो रहा है कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, इसलिए हमें वहां पे लिक्विड दिखती है, हमें लिक्विड दिखता है। यही चीज क्या हो रहा है जीव में भी हो रहा है ना, कोई ऑब्जेक्ट है ठंडा हो जाता है एटमोस्फेयर में तो जब एयर है ना टच करता है तो एयर का वाटर वेपर क्या हो रहा है कन्वर्ट हो जाता है, किसमें वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, हमें वो ड्यू दिखता है। सेम प्रोसेस है नेचर में ड्यू हो रहा है, यहाँ पे हम लोग सिंपली देख रहे हैं नेचर में विंटर में वो काम होता है या अर्ली मॉर्निंग में होता है। ठीक द ड्रॉपलेट्स और से है ना, ये जो देखो ड्यू यहाँ पे ना ग्रास में मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग ये इसमें देख करके ग्रास में दिखता है, जब ठंडे के टाइम में दिखता है, ये ठंड बहुत ज्यादा ठंड हुआ एयर टच किया इसको तो एयर का वाटर क्या हुआ कन्वर्ट हो गया, इसमें वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया वेकर किसमें और ग्लास में दिखता, तो हम लोग ड्यू बोलते हैं। इसके बाद है हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यूनिट ऑफ हीट, हीट का यूनिट देखते हैं, हीट का यूनिट क्या है जूल है, एसआई यूनिट जूल है, और सीजीएच यूनिट क्या है कैलोरी है ना, इसको कैलोरी शॉर्ट लिखते हैं इसको जीएम लिखते हैं, तो एसआई यूनिट क्या होगा बड़ा होगा आपको और सीजीएच यूनिट छोटा होगा। तो अभी देखो एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है कि वन कैलोरी क्या बोलेंगे वन केजी ऑफ वाटर, वन नहीं यहाँ पे ग्राम सॉरी ये केजी नहीं है ग्राम, वन ग्राम ऑफ वाटर बाय वन डिग्री सेल्सियस, क्या है अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी, अमाउंट ऑफ हीट क्या है जरूरत है क्या करने के लिए रेज करने के लिए टेम्परेचर रेज करने के लिए है ना, कितना वन ग्राम ऑफ वाटर हो कितना बाय वन डिग्री सेल्सियस, वन ग्राम वाटर को वन डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज करने का है ना, कहां से क्या 14.6 टू 15.6 उसको क्या बोलेंगे वन कैलोरी हीट बोलेंगे, वन कैलोरी हीट बोलेंगे, तो वन समझ लीजिए अभी यहाँ पे लॉन्ग है ना ये ग्राम यहाँ पे केजी हो गए, यहाँ पे किलो कैलोरी किसको बोलेंगे किलो कैलोरी बोले तो 1000 कैलोरी को किलो कैलोरी बोलते हैं, तो किलो कैलोरी की द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी कितना हीट चाहिए कि टेम्परेचर राइज करे, कितना एक केजी किसका है पानी का, एक केजी पानी का टेम्परेचर कितना राइज करने का 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या है इतना से इतना पहुंचाने का है, इतना था पहले इतना पहुंचाने का 1 डिग्री है कितना 1 केजी पानी का, तो उसको क्या बोलेंगे 1 कैलोरी बोलेंगे, तो कैलोरी और ये किलो कैलोरी का क्या है 1000 कैलोरी इक्वल टू 1 किलो कैलोरी। और 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होते हैं, 4.18 जूल या 4.2 भी बोलते हैं, तो ये याद रखो आप
और थोड़ा सा मैं टेम्परेचर के बारे में बता रहे कि आप हीट और टेम्परेचर को समझे होंगे कि हीट से क्या होता है। हीट क्या एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का फॉर्म है। जैसे हम लोग देखते हैं लाइट एनर्जी देखते हैं, हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखते हैं, तो वैसे क्या है हीट भी क्या है फॉर्म है एनर्जी का। हाँ ये टेम्परेचर है ना, ये थर्मल चीज बता रहा है, ये बता रहा है हीट कितना है बॉडी में वो बता रहा है, कौन टेम्परेचर। अभी देखो टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे ना, सॉरी हीट जब इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर क्या होता है इंक्रीज होता है। और हीटिंग क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट में मैं हीट कर रहा हूँ है ना, एक बीकर या बीकर में हीट कर रहा हूँ, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा राइज होगा, और उसमें क्या किया मैंने बर्फ डाल दिया तो थर्मामीटर का टेम्परेचर क्या होगा डाउन हो जाएगा। हीटिंग करने से टेम्परेचर क्या होता है इंक्रीज होता है, और कोल्ड करने से क्या होता है टेम्परेचर डिक्रीज होता है। हीट का यूनिट क्या है जूल था कैलोरी था, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है केल्विन सेल्सियस फारेनहाइट। आप जो लेते हैं ना टेम्परेचर थर्मामीटर में इतना बुखार है 99 तो सेल्सियस नहीं होता फारेनहाइट होता है वो, क्लियर। पानी का टेम्परेचर बोलते ना कितना डिग्री है सेल्सियस है, तो क्या ले रहे टेम्परेचर का यूनिट ले रहे, हीट नहीं ले रहे वहां पे। हीट टेम्परेचर ट्रैवल होता है किसमें, हॉट बॉडी शेयरिंग होता है हॉट बॉडी टू कूलर बॉडी में, जो ठंडा है गर्म एक के तो क्या हो गया हॉटर से कूलर में चला गया, टेम्परेचर क्या हो रहा है वो बताएगा नहीं। हाँ शेयरिंग से क्या होगा टेम्परेचर डाउन हो रहा है ना, इसका इंक्रीज हो रहा है, इसका क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। हीटिंग ऑब्जेक्ट है ये कूलिंग ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर क्या होगा इंक्रीज होगा क्योंकि हीट इसमें जा रहा है, इसका टेम्परेचर क्या होगा डिक्रीज होगा। तो ये जानना कि जस्ट बेसिक चीज है, इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट स्पेसिफिक हीट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, गो थ्रू द चैप्टर इन योर टेक्स्ट बुक एंड यू विल अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट।